टर्की में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दुआन की पार्टी AKP को 49.4% वोट मिले। वहीं टर्की के गांधी कहे जाने वाले कमाल कलचदारलू की पार्टी CHP को 45% वोट मिले हैं। यहां सत्ता में आने के लिए किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलने चाहिए। टर्की में 28 मई को अब राष्ट्रपति पद के लिए रन ऑफ इलेक्शन यानी निर्णायक मुकाबला होगा। टर्की में फरवरी में आए भूकंप के 3 महीने बाद ये चुनाव हुआ था। भूकंप में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये चुनाव टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के लिए उनके 2 दशक के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चुनाव परिणाम तय करेंगे कि अर्दोगान अगले 5 साल के लिए पद पर बने रहेंगे या देश उस पद पर आगे बढ़ेगा जिसे प्रमुख विपक्षी दल अधिक लोकतांत्रिक बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति अर्दोगान 2003 में सत्ता में आने के बाद से टर्की को एक रूढ़िवादी सोच वाला देश बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो 11 साल तक टर्की के प्रधानमंत्री और 9 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। टर्की में राष्ट्रपति अर्दोगान को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा है। 6 विपक्षी दलों ने एक साथ आकर राष्ट्रपति पद के लिए अनुभवी प्रचारक और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के नेता कमाल कलचदारलू को अपना उम्मीदवार बनाया है। टर्की गांधी कहे जाने वाले 74 वर्षीय कमाल कलचदारलू ने न्यायपालिका और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता स्थापित करने की बात कही है। साथ ही अर्दोगान के शासन के तहत मुक्त भाषण और असहमति की आवाज पर लगे प्रतिबंध हटाने का भी वादा किया है। चुनाव आज तक।